आज के इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर वन का फर्स्ट राउंड हम पढ़ा चुके हैं, एलिमेंट्री राउंड। लॉकडाउन के बाद सेकंड राउंड आइएगा, इसको रिवाइज करेंगे और इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स इंप्रूव्ड क्वालिटी के बताए जाएंगे। अब हम आपको फिर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे आप एक सुगंधित इत्र किसी प्लेट में डालकर किसी कमरे में रख दीजिए तो चारों बगल उसकी खुशबू फैल जाती है। उसी तरह कहीं भी चार्ज रहता है तो उसका प्रभाव वैसे थ्योरेटिकली तो अनंत तक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक निश्चित क्षेत्र में होता है। उस क्षेत्र में एक एकांक धन आवेश को रखा जाए, ये क्वेश्चन बराबर बच्चों के मन में उठता है, ऋण आवेश को क्यों नहीं रखा जाए? तो इसलिए कि ऋण आवेश को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना कठिन है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है जबकि प्रोटॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए परिभाषा के लिए धन आवेश को ही चुना जाता है। बेटर है टेस्ट चार्ज चुना जाए। टेस्ट चार्ज क्या है? परीक्षण आवेश, एक ऐसा छोटा आवेश है जिसको सिस्टम में डाल दें निकाल दें तो उससे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता। आप ऐसे भी जानते हैं टेस्ट करना, जैसे हम खाना बनाते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने खाने में प्रॉपरली सॉल्ट दिया या न दिया, तो थोड़ा सा खाना निकाल कर टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाता है, लेकिन खाने पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसा ही टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो जो फोर्स फील्ड करेगा, और चूंकि फोर्स एक वेक्टर है अतः इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। जिस तरह माँ के कई नाम है, माँ है, मम्मी है, माता है, उसी तरह से विद्युत क्षेत्र के भी कई नाम है, विद्युत तीव्रता, विद्युत बल क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि इत्यादि। अब आप इसको केवल याद करिए, परीक्षा में दो नंबर का क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जब भी होगा तो किसी न किसी चार्ज के कारण होगा। किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश के द्वारा अनुभव किए गए परिणामी विद्युत बल को, परिणामी शब्द पर गौर करें, परिणामी मतलब अगर आवेश मल्टीपल है तो एक से ज्यादा विद्युत बल लगेगा, और आपको हम पढ़ा चुके हैं विद्युत बलों का सदिश योग परिणामी विद्युत बल होता है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वेक्टर है, संकेत इसका यह है, सदिश सूत्र यह है, अदिश सूत्र यह है, इसकी इकाई न्यूटन, इसकी कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इकाई हो गई। आगे हम आपको बताएंगे इसकी इकाई वोल्ट प्रति मीटर क्यों होती है, यह हम बाद में आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। अभी आप तत्काल इसको रखिए यहां, इसकी बीमा तो फोर्स की बीमा रखिए MLT-2, चार्ज की बीमा रखिए IT, इसको ऊपर करिए। ये सूत्र कहां से आया, आप इसको रफ में एक झलक देखिए कि डेल्टा क्यू कूलाम पर एफ बल, तो इकाई कूलाम पर कितना बल, एफ बटे डेल्टा क्यू बल, तो इसी को ना हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। ऐसे बच्चा वाला चीज है कि खाली परिभाषा में रखिए और निकल जाएगा, इसको ये सब नाम से जानते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है बता ही दिए, और विद्युत बल रेखाएं क्या है ये इंपॉर्टेंट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर टू में आपको पढ़ना ही है विद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्लस टू में बार बार आता है, आप नाम भी सुने होइएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है, इसको खूब अच्छा से पढ़िएगा, इसलिए हम आपको एक दिन का समय भी देते हैं ताकि आप इसको पढ़ के आइएगा। अभी आपको तत्काल बताएं कि कुछ बातें बिल्कुल ध्यान में रखने की है। एक तो अगर आप कहीं से आइसोलेट कर सकिए एक इकाई धन आवेश को या परीक्षण आवेश को, वो भी धन आवेश, तो वह जैसे जैसे चलेगा
उस पथ को दिखाना है, उस किस रास्ते से वह गया। वह प्रायः कंटिन्यूअस होता है और वो शुरू होता है उत्तर ए धन आवेश से और खत्म होता है ऋण आवेश पर। इसलिए धन आवेश पर यह हमेशा बाहर की ओर होता है। ये चीज परीक्षा में खूब पूछा जाता है, खूब ध्यान से देखिए। जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो बल रेखाओं की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी, लंबवत होगी। ये हमेशा लंबवत है, चार्ज पर हमेशा परपेंडिकुलर है, कभी भी ये तिरछी दिशा में नहीं। यहां से निकलता है जब कभी भी बाहर निकलता है, और ऋण आवेश पर निगेटिव चार्ज पर ये अंदर घुसता है, वह भी लंबवत की तरफ। यहां से यहां ये कंटिन्यू नहीं करता है। आगे पढ़िएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसमें यह कंटिन्यूटी होती है। तो आगे बताइए, अभी आप ये जानिए। परीक्षा में आप कोई एक उदाहरण भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। ये जितना सघन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता है। ये सब बातें अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और फिर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में दो चीज याद रखना है, इसको कटने नहीं देना है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों सब बताते हैं। और ये हमेशा निगेटिव पर अंदर होती है, पॉजिटिव पर बाहर होती है। क्लियर? अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन कि विद्युत तीव्रता और विद्युत बल रेखा ये दोनों में क्या संबंध है। तो कोई भी विद्युत बल रेखा लीजिए, और जब आप कोई विद्युत बल रेखा लीजिए तो आप एक तीर का चिन्ह दे दीजिए, इससे इसकी दिशा पता चल जाएगी। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींचते वही स्पर्श रेखा हमको विद्युत तीव्रता का बात बताती है, क्या होगा, कितना होगा, किस दिशा में होगा। चूंकि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है तो स्पर्श रेखा हमको बताएगी कि विद्युत तीव्रता क्या होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है, क्या तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती हैं? उत्तर नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। काहे, क्यों? तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देंगी तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, और विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, दो दिशा हो गई, दो मान हो गया। एक ही बिंदु पर विद्युत तीव्रता का दो मान असंभव। ठीक उसी तरह एक ही बच्चे के दो दो बाप असंभव। तो फिल्मों में भले हो सकता है लेकिन सही जीवन में एक बच्चे का एक ही पिता होगा, वह डीएनए के जांच से पता चल जाएगा कि उसका फादर कौन है। एक बच्चे का दो बार जन्म हो ऐसा कभी संभव नहीं है, उसका एक ही बार जन्म होगा। एक व्यक्ति दो बार मरे ऐसा कभी संभव नहीं, प्रैक्टिकली। अब मरने का अर्थ कोई लगाए शर्म होने से फलाना तो सब अलग बात, ऐसे बोले। अब आप ये समझिए कि एक ही बिंदु पर विद्युत तीव्रता के दो दो मान यह कभी संभव नहीं है, अतः बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जिस तरह आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, उस तरह आप देखिए कि विद्युत विभव क्या है। तो जैसे आप परीक्षण आवेश को रख कर पूछ क्या बल अनुभव करते हो, या निकाले क्या बल अनुभव करता है, तो जो बल अनुभव करता है वह विद्युत तीव्रता है। यहां करना क्या है कि परीक्षण आवेश को लेकर अनंत पर चला जाना। आप तो जानते ही, हम आपको फिजिक्स में अनंत बता चुके, बहुत 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 दूर जहां इसका विद्युत क्षेत्र लगभग शून्य, और वहां से अनंत से आना है। तो डेल्टा क्यू आवेश को लाने में डब्ल्यू जूल काम किए। अरे भाई, डेल्टा क्यू आवेश लाए तो
डब्ल्यू जूल काम किए, तो एक इकाई कूलम आवेश लाए तो कितना काम किए, डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू, इसी को विभव कहते हैं। यही तो विभव का सूत्र है, डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू। इसकी इकाई जूल है, इसकी इकाई कूलम है, इसको जूल प्रति कूलम कहते हैं, और जूल प्रति कूलम को संक्षेप में वोल्ट कहते हैं। वो जो आप बिजली मिस्त्री सबसे सुनते हैं, वोल्टेज वोल्टेज, भौ 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 नहीं बोलना है, वोल्ट बोलना है, वोल्टेज वोल्ट है, यह लिख दिया वोल्ट है, यह अदिश है और इसकी ये इकाई होती है, विमा होती है। आप मोटा मोटी इसको स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं। वैसे स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा चार्ज से रिलेट करती है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा एनर्जी, वो तो ठीक उसी प्रकार है, जितना गुड़ दीजिए उतना मीठा होगा, तो जितना चार्ज रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी, तो एक अलग चीज है। फिर भी मोटा मोटी इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं।